तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त की बिरयानी यानी कि पुलाव। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो गोश्त, उसे अच्छे से धोकर मैं उसमें ऐड कर लूँगी 2 बड़े कटे हुए प्याज और 2 बड़े कटे हुए टमाटर, उसी के साथ हरा धनिया कटा हुआ और 1 चम्मच गरम मसाला, हल्दी आधा चम्मच और 2 चम्मच नमक को मिक्स कर उसमें मैं ऐड कर लूँगी लहसुन अदरक की पेस्ट 1-1 चम्मच और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसे डाल दूँगी कुकर में तो इन सबको हमें कुकर में डालकर अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी थोड़ा सा तेल, लगभग छोटे चम्मच 3 से 4। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1 ग्लास पानी को, इसमें मैं ऐड कर लूँगी 1 ग्लास पानी और इसे हमें आधा पकाना है यानी 50% तक पकाना है, हमें इसे पूरा नहीं पकाना। अब इसे रख देंगे गैस पर। उसी के बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 पतीला चावल, तो चावल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेगुलर के चावल हैं हमारे, दिल्ली राइस नहीं है। तो उसी के साथ मैंने लिए यहाँ पर गरम मसाले, लवंग, काली मिरी, तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है पतीला, उसमें मैं डाल दूँगी 1/2 कटोरा तेल और उसी में मैं डाल दूँगी हमारे गर्म मसाले। तो लवंग उसमें थी 3 से 4 और काली मिरी भी थी 3 से 4, तेज़पत्ता 4 और 1 बड़ी इलायची। इन सबको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज को। तो प्याज मैंने यहाँ पर लिए है लगभग 7 से 8 प्याज मैंने यहाँ पर कट करके लिए हैं, इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। तो इसी में की थोड़ी प्याज में ऊपर से डेकोरेशन के लिए निकाल लूँगी। उसी के साथ मैंने यहाँ पर 3 मिर्च ऐड कर ली है। तो प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, अब मैं निकाल लूँगी इसमें से थोड़ी सी प्याज जो जिसे हम बिरिस्ता भी बोलते हैं उसी के लिए, और बचे हुए प्याज में मैं ऐड कर लूँगी जो हमारा उबला हुआ गोश्त था उसे। इसका पानी नहीं ऐड करना, सिर्फ हमें गोश्त डाल देना है। सब गोश्त को हम इसमें ऐड कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से हमें इसे भून लेना है। उसी के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन की और अदरक की पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच लहसुन की पेस्ट और अदरक की पेस्ट, अदरक की पेस्ट भी 2 चम्मच है, लहसुन की पेस्ट 2 चम्मच और अदरक की पेस्ट 2 चम्मच। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1/2 कटोरी नारियल जिसे मैंने पीस कर रखा था बारीक, उसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। उसी के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी गरम मसाला। तो गरम मसाला मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 2 चम्मच। और इन सबको अच्छे से भून लेना है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है धनिया पाउडर 1 चम्मच। इन सबको अच्छे से भून लेना है। और लास्ट में हमें इसमें ऐड करना है 2 कटे हुए टमाटर। और इन सबको भी अच्छे से भून लेना है। 4 से 5 मिनट में टमाटर भी सॉफ्ट बन जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मसालों में तेल
छूटना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे दही को। तो दही मैंने यहाँ पर ली है हाफ कटोरी, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा गोश्त का पानी था उसे मैं थोड़ा ऐड कर कर के मसालों को अच्छे से भून लूँगी। और थोड़ा पानी ऐड कर कर अच्छे से भूनना है हमें इसे। तो उसी के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मसालों में और अच्छे से तेल छूटना स्टार्ट हो चुका है। अब इसे हम ढककर 2 मिनट रखेंगे, तो उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 पतीले पानी लिया है। जिस पतीले से हमने चावल लिया था उसी पतीले से मैंने 2 पतीले पानी लिया है। 1 पतीला चावल है तो 2 पतीले पानी। अब उसमें मैंने नमक ऐड कर लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हरा धनिया डालकर ढककर रखा था उबाल आने तक। तो उबाल आ चुका है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चावल को। तो चावल को मैंने धोकर रखा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि चावल को मैंने उसमें ऐड कर लिया है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे भी हम ढककर रखेंगे 5 मिनट। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब ऐसे ही हमें मिक्स करते रहना है 5 मिनट तक। तो चावल का पानी पूरा पूरा है वो कम हो जाएगा। अब इसे हम ढककर रखेंगे 30 मिनट तक, यानी आधा घंटा। आधा घंटे के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं गैस को हम ऑफ कर लेंगे। तो चावल हमारे बनकर तैयार है। थोड़ा सा पानी है उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ये भी कम हो जाएगा। तो अच्छे से चावल हमारा मिक्स हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी जो प्याज हमने निकाली थी, उस प्याज को और हरा धनिया को, और वापस से ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि तैयार है हमारा पुलाव, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगता है। तो आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमने हमारे घर के चावल से ही इस पुलाव को कितना अच्छा बनाया है। हमने इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, फिर भी हमारे पुलाव को बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। आप भी ये घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए।